कहाँ है आरिफ और आरिफ का सारस? क्या हुआ है आरिफ के सारस के साथ? सारस पंछी आरिफ के घर पर है या वन विभाग के? जो राज हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी खुलासा आरिफ और सारस का। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया में फैली हुई आरिफ और सारस की दोस्ती एक मिसाल बन गई थी, सोशल मीडिया में चर्चित हो गई थी। आज आरिफ और सारस जुदा हो गए हैं, लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है ये वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सच्चाई ये है कि आरिफ के ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं हुआ है और आरिफ कभी भी सारस से मिलने के लिए जा सकता है। अभी वन विभाग के पास सारस है और बहुत ही सुरक्षित है। दोस्तों, जो बात सोशल मीडिया में फैली हुई है, कोई कहता है सारस मर गया है, कोई कहता है सारस को चोट लगी है, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों, सच बात तो यह है कि कानपुर वन विभाग के चिड़ियाघर में सारस अभी एक पिंजरे में बंद है। लेकिन दोस्तों, जब सुबह होती है तो सारस को खोल दिया जाता है और सारस पंछी वापस अपने पिंजरे में आ जाता है। जिस तरह दोस्तों कुत्ते जो वफादार होते हैं, घोड़े भी वफादार होते हैं, आप जिस जानवर से भी आप दोस्ती करेंगे, वो जानवर को सिर्फ एक ही पता चलता है कि मालिक हमारा वही है जो हमें रोटी देता है। लेकिन जैसे कि दोस्तों धीरे धीरे उसका माइंड चेंज होते जाता है, और इसी तरह कहा जाता है कि सारस का माइंड भी अभी चेंज हो रहा है और धीरे धीरे आरिफ को वो भूलता जा रहा है। दोस्तों, अगर आरिफ भाई से और सारस से आपको प्यार है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सारस पंछी और आरिफ की दोस्ती को पूरा एक साल हो चुका है। पता नहीं दोस्तों किसकी नज़र लग गई आरिफ और सारस की दोस्ती पर कि दोनों जुदा हो गए, लेकिन फिर भी वन विभाग वालों ने सारस और आरिफ को मिलने में कोई मनाही नहीं की। आरिफ कभी भी सारस के पास आ सकता है और जा सकता है। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि विभाग वालों का यही कहना है कि जो पंछी है इस पंछी को कोई पाल नहीं सकता। जैसे आप मिट्टू है, मिट्टू को भी आप, पोपट को भी आप पाल नहीं सकते। तो पालन पोषण वाले जो जानवर होते हैं वो बकरी, घोड़ा और कुत्ता, इस पे वन विभाग वाले कोई चार्ज नहीं लगाते। इसी तरह दोस्तों जो सारस पंछी है, इस पंछी को पालने के लिए अभी तक कोई खुलासा नहीं आया है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।